नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अक्षंता खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। यूक्रेन में हमले के बाद भारतीय नागरिकों के परिजनों की बड़ी धड़कने, उत्तराखंड के भी फंसे कई छात्र, सीएम धामी ने परिजनों को किया आश्वस्त। उत्तराखंड जिलाधिकारियों को यूक्रेन में फंसे लोगों की लिस्ट जारी करने के निर्देश। जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर जारी, परिजन 112 पर कॉल कर सकते हैं और दे सकते हैं सूचना। विधानसभा चुनाव के बाद संगठन को मजबूत करने पर कांग्रेस का फोकस, 12 लाख नए सदस्यों को जोड़ने के साथ लोकसभा चुनाव की भी तैयारियों पर कांग्रेस का फोकस। प्रदेश में हो रहे हादसों से प्रशासन ने लिया सबक, पड़ताल में ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार के साथ गड्ढा युक्त सड़कें बनी बड़ा कारण, कई जिंदगियों के साथ हो रहा खिलवाड़। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले यूक्रेन की। यूक्रेन पर रूस के हमले से जहां पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं भारतीय नागरिकों के परिजन अपने बच्चों को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के भी कई बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनके अभिभावक अपने बच्चों को लेकर काफी परेशान है। हालांकि सरकार लगातार बच्चों को सुरक्षित वापस लाने का आश्वासन देती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजनों से बात कर उन्हें आश्वस्त किया कि राज्य के हर नागरिक को वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क किया जा रहा है। इसके साथ ही सीएम धामी ने शासन के अधिकारियों को भी हर नागरिक की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं। वहीं यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के नागरिकों की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड शासन ने पहल करते हुए अहम निर्देश जारी किए हैं। प्रमुख सचिव आर के सुधांशु ने सभी जनपदों के जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अपने अपने जनपदों के यूक्रेन में फंसे नागरिकों की पूरी जानकारी देने के निर्देश दिए हैं, ताकि उनकी सुरक्षा के लिए विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के जरिए आवश्यक कार्यवाही की जा सके। इसके साथ ही टोल फ्री नंबर 112 जारी किया गया है, जिस पर अपनी जानकारी दी जा सकती है। बता दें, उत्तराखंड के कई छात्र यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। यूक्रेन में अभी उत्तराखंड के करीब 30 से 40 के बीच छात्रों के फंसे होने की संख्या सामने है, जिनकी संख्या अभी बढ़ भी सकती है। इसमें देहरादून सहित रुड़की, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी के कई छात्र शामिल हैं जो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। इन सब छात्रों को वेस्टर्न यूक्रेन की ओर सुरक्षित शिफ्ट होने के निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि किसी भी स्थिति में अपने फ्लैट्स या कमरों से बाहर ना निकले। साथ ही भारतीय दूतावास इन छात्रों के साथ लगातार संपर्क में है। जो रशिया है वो अटैक कर चुका है हमारे यूक्रेन पर, तो उस वजह से क्या हो गया, हमारे जो डिफरेंट सिटीज हैं, यहाँ पर शहर है उस पे भी ये हमला कर चुका है और इन्होंने बहुत ज्यादा जगह पर शरण भी ले रखी है। जैसे कि हमारा इवानो फ्रेंकिस सिटी है, इसमें भी ये सुबह 2 बैलिस्टिक मिसाइल से जो है हमला कर चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा भगदड़ मची हुई है। और अगर हम सुपर मार्केट की बात करें, ग्रोसरीज की बात करें, उसका स्टॉक बिल्कुल खत्म हो चुका है। और हम जो है, इसके अलावा हमारे जो इंडियन कार्ड है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो है वो नहीं हो पा रहा है, और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ना होने की वजह से जो है हमारे पास कैश भी सब कुछ खत्म हो चुका है। सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के बाद पोस्टल बैलेट में धांधली का मामला अब गंभीर होता जा रहा है। जहां एक तरफ इस मामले में डीडीहाट थाने में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या से मुलाकात भी की है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन अधिकारी से कहा कि डाक मतपत्रों को संबंधित सैनिक मतदाताओं तक ना पहुंचाकर एक ही स्थान पर एक मतपत्रों पर फर्जी दस्तखत करते हुए उसका इस्तेमाल भाजपा के हक में किया जा रहा है, जो कि पूरा गलत है। जो पिथौरागढ़ आरओ से ये रिपोर्ट हुई थी कि ये वायरल हुआ था करके, उसके बाद जो वायरल हुआ था उसमें मैसेज में कोई पर्टिकुलर यूनिट का उन्होंने नाम दिया था, तो वहाँ का जो रेजिमेंट से उन्होंने पूछा, तो वहाँ से ये रिस्पॉन्स आया, तो उनसे कंसर्न नहीं है करके, संबंधित नहीं है करके वो रिपोर्ट उनको आरओ को आ गया था, जो उन्होंने हमें अभी तक दिया है। और कांग्रेस का जो
डेलीगेशन अभी आए थे, उन्होंने जो पोस्टल बैलेट 80+ और पर्संस विद डिसेबिलिटीज़ का, उनका भी पूरा प्रक्रिया पूछा, और उसमें भी उन्होंने ये पूछा है कि से सपोज किसी ने वोट नहीं दर्ज किया, मतलब पोस्टल बैलेट उनको वोट अलॉट हुआ है, उसके बाद वो होम टू होम जब जाते हैं उन्होंने अपना राइट टू वोट को एक्सरसाइज नहीं किया, तो उसमें क्या प्रक्रिया होता है? उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की मतगणना में अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन उससे पहले भाजपा और कांग्रेस में सियासत गर्म हो चुकी है, और इस बार मामला सियासी बयानबाजी का ना होकर ईवीएम और पोस्टल बैलेट को लेकर है। जहां कांग्रेस भाजपा पर छल बल का आरोप लगा रही है, तो वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस फोबिया में जी रही है। देखे यह रिपोर्ट। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होने के बाद कांग्रेस और भाजपा बारी बारी से अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है, लेकिन इस बीच ईवीएम से छेड़छाड़ और पोस्टल बैलेट को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर सीधा हमला किया है। कांग्रेस का कहना है कि हार की हताशा के चलते भाजपा सत्ता प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। पोस्टल बैलेट के साथ छेड़छाड़ का वीडियो सामने आने के बाद अब वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने भाजपा की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इसकी उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से चुनाव की हताशा में अपने वोटों को बढ़ाने के लिए इस तरह का खेल खेल सकती है, और ये पहले भी होता रहा है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की के लिए कह रहा है व्यक्ति, तो स्पष्ट है कहीं ना कहीं इसमें एक भाजपा को लाभ देने की और सरकार में को बनाने के लिए दबाव बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा पर लगे इन आरोपों का पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने ये कहा है कि कांग्रेस को फोबिया हो गया है। पहले वो सत्ता में बहुमत के साथ आने की बात कर रही थी, लेकिन अब उन्हें ईवीएम का डर सताने लगा है। कांग्रेस को कुछ मामले में फोबिया हो गया है। कई बार शुरू में उत्साहित होकर के कांग्रेस कहती थी कि हम सरकार बना रहे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, अपने लोगों को ईवीएम के बाहर तैनात करने का उन्होंने आदेश दिया। अब पोस्टल बैलेट को लेकर के वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो कांग्रेस एक्चुअल में उनको अपने पर भरोसा नहीं है, जनता पर भरोसा नहीं है, और जो जिस प्रकार से लोगों ने मतदान किया है और उनके लोगों ने फीडबैक दिया है, उसके आधार पर उनको लगता है कि भाई अब हमारे हाथ से जो है ये सत्ता खिसक रही है। मतदान से मतगणना के बीच का समय राजनीतिक दलों का आरोप प्रत्यारोप के बीच गुजर रहा है। अगर मतगणना के नतीजे राजनीतिक दलों के पक्ष में नहीं आए, तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों दलों के आरोप प्रत्यारोप लंबे समय तक राजनीति में सियासी मुद्दा बने रहेंगे। फिलहाल इन सियासी बयानबाजी के लिए सभी को 10 मार्च तक का इंतजार यही करना होगा। टाइम टीवी के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। पोस्टल बैलेट पर मचे सियासी घमासान को लेकर हो रही राजनीति थमने का नाम ही नहीं ले रही। हालांकि डाक मत पत्र के वायरल वीडियो के मामले का राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संज्ञान लिया है, मगर रिपोर्ट हमारी इस पर आधारित है कि भाजपा पोस्टल बैलेट में धांधली के आरोप को लेकर कांग्रेस पर जो पलटवार कर रही है, उसमें क्या एक राय किसी नेता की है? हर किसी का अलग अलग नजरिया है और हर किसी के अलग अलग आरोप भी। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में पिछले 3 दिनों से राजनीति की धुरी पोस्टल बैलेट में हुई धांधली के वीडियो के इर्द गिर्द घूम रही है। हरदा के सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो शेयर होने के बाद ये मामला पिथौरागढ़ के डीडीहाट क्षेत्र का पाया गया, तो भाजपा ने तुरंत इस मुद्दे को लपकते हुए दावा किया कि मामला 20 फरवरी को सिटिंग विधायक विशन सिंह चुफाल उठा चुके हैं। हालांकि उन्होंने अपनी पार्टी के आला नेताओं को इसकी जानकारी दी या नहीं, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं। जरा सुनिए आप भी। कि मैंने कहा तत्काल इसके निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, मामला क्या है, कहां का है, क्या है, ये मैंने उनको बता दिया। काम मेरा काम बताने का था, बता दिया काम आगे चुनाव आयोग का करना है, आरओ का है, जिला अधिकारी का काम है, ये हमारा नहीं। चलिए अब जरा आपको बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का भी बयान सुनाते हैं, जिसमें पोस्टल बैलेट में धांधली को लेकर पूछे गए सवाल पर वो कांग्रेस पर उल्टा ये कह रहे हैं कि विपक्ष के पास सवाल उठाने के अलावा कोई काम नहीं। अब जानते हैं आप कि क्या हमारे जवान, क्या हमारे सेना के जवान,
क्या हमारे पुलिस के जवान, क्या हमारे कर्मचारी, उनको जानकारी नहीं कैसे वोट डालते हैं। अरे इतना सब लोग हैं जो व्यवस्था बनाते हैं चुनाव की, वही तो लोग हैं, आप उन पर उंगली उठा रहे हो। ये कांग्रेस का प्रारंभ से ही है। अब आपको सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का बयान सुनाते हैं कि कैसे बिना नाम लिए उन्होंने हरदा पर फेस सेविंग का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ही फर्जी वीडियो बनाती है और शेयर करती है। हालांकि भाजपा की जीत का दावा करना भी सीएम साहब नहीं भूले। पोस्टल बैलेट हो या ईवीएम मशीन हो, ये कहीं कोई खराब नहीं हो रही, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। और ये जो वीडियो जारी हुआ है, इसकी सत्यता की भी जांच होनी चाहिए कि ये खुद ही जारी करवा रहे हैं और खुद ही जो है इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं अपनी फेस सेविंग के लिए, क्योंकि इनको पता है कि ये हार रहे हैं और बुरी तरह से हार रहे हैं। भाजपा आ रही है अपना फेस सेविंग करने के लिए ईवीएम और ये पोस्टल बैलेट का बहाना। भाजपा के नेताओं के एक ही मसले पर अलग अलग बयान यकीनन पोस्टल बैलेट में धांधली मामले को और गंभीर बनाते दिख रहे हैं। हालांकि ये मामला पिथौरागढ़ में दर्ज होने के बाद निर्वाचन आयोग के संज्ञान में भी आ चुका है, तो आयोग ने डाक मतपत्र के वोटर्स की सूचना नहीं मिलने के बारे में भी सभी जिला अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। अब उम्मीद है कि जल्द दूध का दूध और पानी सबके सामने होगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। अक्सर प्रदेश कांग्रेस संगठन को लेकर सवाल उठते आए हैं, लेकिन अब पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कसरत शुरू कर दी है। इसके तहत 12 लाख सदस्यों को जोड़ने की तैयारी की गई है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की नजर लोकसभा चुनाव पर भी है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आमतौर पर कांग्रेस संगठन की सक्रियता को लेकर सवाल उठते रहते हैं। सामान्य धारणा यही है कि कांग्रेस सांगठनिक स्तर पर कमजोर प्रदर्शन करती है। कांग्रेस ने अब अपनी इस कमजोरी को दूर करने की कोशिशें शुरू कर दी है। उत्तराखंड में कांग्रेस अब नए सदस्य बनाने के साथ ही अगले लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट चुकी है। दिलचस्प ये है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम अभी आए भी नहीं और कांग्रेस संगठन ने अपनी सक्रियता फिर से दिखानी शुरू कर दी है। कांग्रेस का पहला लक्ष्य पार्टी के कम होते जनाधार को और बढ़ाना है। यही वजह है कि कांग्रेस नए सदस्यों को जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाने की तैयारी में है। कांग्रेस ने इस काम में पार्टी के केंद्रीय नेताओं को भी लगाया है। ऑलवेज पार्टी अधिकार में नहीं है, यह नहीं है, वो संगठन बहुत मुख्य हो चाहिए। उसके लिए वो पार्लियामेंट इलेक्शन है, 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन भी है, वो मजबूत करना है पार्टी को। उसके लिए वो डिजिटल मेंबरशिप कर रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है। सो डिजिटल मेंबरशिप आप सोचिए, 11 लाख डिजिटल मेंबरशिप की है तो ओके, जस्ट इमेजिन हम व्हाट कितना बूथ है इधर, 11,300 बूथ से, ईच बूथ से 100 किए तो 11 लाख हो जाएगा। सो उतना वोटर्स हमारे पास आ जाएगा ना। कांग्रेस न सिर्फ अपने साथ 10 लाख नए सदस्यों को जोड़ने के लिए कमर कस रही है, बल्कि एक मुकम्मल राजनीतिक रणनीति को लेकर भी आगे बढ़ रही है। कांग्रेस अपने डिजिटल सदस्यता अभियान के जरिए उन युवाओं पर फोकस कर रही है जो एग्रेसिव पोलिंग का हिस्सा रहते हैं। कांग्रेस का दावा है कि पिछले 3 महीनों में उसके साथ 2 लाख नए सदस्य जुड़े हैं। इस हिसाब से देखें तो कांग्रेस जल्द ही 12 लाख नए सदस्यों को अपने साथ जोड़ लेगी। जानकारों की माने तो नए जुड़े सदस्यों में बड़ा तबका युवाओं का हो सकता है, क्योंकि डिजिटल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल युवा ही करते हैं। अगर कांग्रेस की ये तैयारी 2024 के हिसाब से है, तो 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर भी एक नजर डालनी जरूरी है। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में कुल वोट पड़े 48,42,925। इन चुनाव में बीजेपी को 61.7% वोट मिले और सभी 5 लोकसभा सीटों पर उसका कब्जा हो गया। वही कांग्रेस को 31.7% वोट मिले, लेकिन उसके हाथ एक भी सीट नहीं लगी। कांग्रेस अगर 12 लाख नए सदस्य जोड़ती है तो लोकसभा चुनाव में उसका मत प्रतिशत बढ़ना तय है और ऐसे में उसकी सीटें निकल सकती है। कांग्रेस अपनी सदस्यता अभियान को ब्लॉक स्तर से लेकर बूथ स्तर तक प्लान कर रही है। ऐसे में जाहिर है कि कांग्रेस का संगठन विधानसभा चुनाव की थकान को दरकिनार कर उत्तराखंड में न सिर्फ अपनी सक्रियता को बढ़ा रहा है, बल्कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए अभी से तैयारी में जुट गया है। देहरादून से टाइम टीवी के लिए हितेश त्यागी की रिपोर्ट।
उत्तराखंड में सरकार किसकी बनेगी ये तो 10 मार्च को पता चल जाएगा, लेकिन इससे पहले जहां एक तरफ राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जनता भी अपने अपने अनुभवों से सरकार बनाने के दावे कर रही है। कोई भाजपा के हक में बात कर रही है तो कोई कांग्रेस की जीत का दावा कर रही है। पुष्कर सिंह धामी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि 4 महीने में उन्होंने जो काम करके दिखाया ऐसा मुख्यमंत्री उत्तराखंड में अभी तक नहीं बना। इसलिए मैं आशा करता हूँ अगला मुख्यमंत्री उत्तराखंड का पुष्कर सिंह धामी होना चाहिए, होगा भी। लोकप्रिय हिसाब में मुख्यमंत्री हरीश रावत ही बेटर होता है, क्योंकि सबको लेके चलने के इरादा उनके पास मौजूद है और उस हिसाब से वो कार्य भी करता रहा। कोरोना महामारी के बीच इस बार हुए विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर अंदाजा ये लगाया गया कि 2022 की बिसात का चुनाव बड़ी ही सादगी और बिना शोरगुल के होगा, लेकिन हकीकत बिल्कुल इससे उलट निकली। असल में 2022 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय दलों की बजाय चुनावी खर्चे में निर्दलीय प्रत्याशी काफी ज्यादा आगे निकल गए। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देश भर के साथ उत्तराखंड में कोरोना महामारी के बीच बिना शोरगुल और चुनावी सभाओं के जमावड़े के बिना 2022 के विधानसभा चुनाव में हर कोई ये सोच बैठा कि इस बार विधानसभा चुनाव बेहद सादगी और डोर टू डोर प्रचार के बीच ही सिमट गया। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि चुनाव आयोग की तरफ से महामारी के बीच गाइडलाइन के तहत प्रत्याशी चुनावी खर्चे में एक दूसरे से अव्वल आने के लिए दौड़ लगाते दिखे। विधानसभा चुनाव में खर्च के मामले में निर्दलीय प्रत्याशियों ने राष्ट्रीय दलों को भी पछाड़ दिया है। उम्मीदवारों ने 12 फरवरी तक के चुनावी खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंप दिया है, जिसमें कई प्रत्याशियों ने अभी स्टार प्रचारकों के खर्च की जानकारी हालांकि नहीं दी है। देखा जाए तो चुनाव आयोग ने इस बार 2022 की बिसात के लिए हर उम्मीदवार के लिए चुनाव खर्च की निर्धारित सीमा 40 लाख रुपए तय की और प्रत्याशियों के चुनावी खर्च पर नजर रखने के लिए व्यय प्रेक्षकों की तैनाती की गई, ताकि वक्त वक्त पर उम्मीदवार अपने खर्च का ब्यौरा दे सके। चुनाव आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट में राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशियों ने चुनाव में लाखों रुपए खर्च किए तो दूसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी भी लाखों रुपए खर्च करने में राष्ट्रीय दलों को पछाड़ने में पीछे नहीं रहे। अल्मोड़ा जिले की विधानसभा सीटों के रिकॉर्ड को देखा जाए तो अब तक सबसे ज्यादा चुनाव में खर्च जागेश्वर के कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद सिंह कुंजवाल कर चुके हैं। गोविंद सिंह कुंजवाल ने चुनाव में 33,23,206 रुपए खर्च किए। इसके बाद द्वारहाट विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल साही ने 27 लाख से अधिक के खर्च की डिटेल आयोग को सौंपी है। सोमेश्वर सीट से बीजेपी प्रत्याशी रेखा आर्य 25 लाख, जागेश्वर से बीजेपी प्रत्याशी मोहन मेहरा 28 लाख की जानकारी उन्होंने दी है। वहीं अल्मोड़ा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए विनय कैरोला ने वोटिंग से पहले तक 11 लाख से अधिक की धनराशि खर्च की। हालांकि कई प्रत्याशियों ने व्यय प्रेक्षक को अधूरी जानकारी दी है, तो वहीं सभी प्रत्याशियों ने चुनाव खर्च में प्रचार गाड़ी, प्रचार सामग्री, चाय नाश्ते आदि खर्च की डिटेल भरी, जो लाखों में है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी खड़ा होता है कि बिना चुनावी शोर शराब के लाखों में खर्च रुपए हुए हैं तो खुले तौर पर चुनावी खर्चा कहां तक पहुंचता? टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। पौड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने राज्य सेक्टर की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान विभागों की कार्यप्रणाली को लेकर भी आपको बता दें जांच की गई। जिलाधिकारी ने 10 विभागों के अधिकारियों को तलब कर फटकार लगाने के साथ ही विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बता दें 10 ये वो विभाग थे जिनके द्वारा जनहित में विकास कार्यों के लिए धनराशि को खर्च नहीं किया गया है। पद के विभागों के जो कार्यों की प्रगति थी उसको आज एक बार रिव्यू किया गया है। कुछ विभाग जो है वो अपना कार्य को जो तय समय सीमा होती है उसके अनुसार नहीं कर पा रहे थे और उनका बहुत प्रगति जो है वो कम दिखाई दे रही थी। ऐसे सभी विभागों को जो है शोकॉज नोटिस हम जारी कर रहे हैं, उनको चिन्हित किया गया है। जिला योजना में हमारा जो प्रगति है वो 90% तक हम खर्च कर चुके हैं और हमारा ये प्रयास है कि हम लोग उसको 100% करने का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में उत्तराखंड में हुए एक के बाद एक सड़क हादसों में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और उसके बाद अब प्रशासन ने सबक भी लिया। चंपावत हादसे में सीख लेते हुए सड़क हादसों पर लगाम लगाने के निर्देश दिए गए हैं। हैरानी इस बात की है कि जांच में दुर्घटना का कारण ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार सामने आया है, तो कहीं ना कहीं गड्ढा युक्त सड़कें भी इसकी वजह बन रही है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चंपावत में हुए बड़े सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत के बाद प्रशासन सबक लेते हुए अब इस पर लगाम लगाने की तैयारी में जुट गया है। हालांकि ये इतना आसान नहीं है,
क्योंकि लगातार प्रदेश में हो रहे हादसों के पीछे जहां ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार हादसों का सबब बन रहे हैं, तो वहीं प्रदेश में जगह जगह गड्ढा युक्त सड़कें भी इसकी एक बड़ी वजह हैं। वैसे इस प्रदेश की ये विडंबना ही कहेंगे कि जानलेवा हादसों के बाद ही हमारा सिस्टम जागता है। चंपावत हादसे की जाँच अब CO को सौंपी गयी है। एक नज़र पिछले कुछ सड़क हादसों पर भी डाल लेते हैं। साल 2021 में कुमाऊं के 6 जिलों में सड़क हादसों में 341 लोग मौत की नींद सो गए और इसके पीछे वजह ओवरलोडिंग को माना गया। वहीं सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का आदेश भी हवा हवाई साबित होता नजर आ रहा है। कुमाऊं मंडल में सड़क परिवहन प्राधिकरण की मंजूरी के बिना ही करीब 149 सड़कें निर्माणाधीन है, तो 25 सड़कों पर बेरोक टोक वाहनों का संचालन जारी है। रुद्रप्रयाग जिले में 54 सड़कों पर बिना परमिशन के वाहनों को दौड़ाया जा रहा है। तो टिहरी जिले के दूरस्थ गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए सड़क तो बनाई गई, लेकिन उन्हें बने सालों बीत गए हैं। ये तो चंद भर आंकड़े हैं जो हमने आपके समक्ष रखे हैं। प्रदेश भर में न जाने ऐसे कितने क्षेत्र होंगे जहां सड़कों की हालत बद से बदतर है। राजधानी देहरादून में सड़कों की दुर्दशा इतनी खराब है कि यही अंदाजा नहीं लग पाता कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे। तो आप प्रदेश के अन्य इलाकों का अनुमान लगा सकते हैं, और ऐसे में हादसों की बढ़ती रफ्तार को अगर सिस्टम ने नहीं थामा तो न जाने कितनी जिंदगियां यूं ही दांव पर लगती रहेंगी। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। पहाड़ों में मौसम भले ही थोड़ा सर्द हो, लेकिन जंगलों में आग लगने के लिहाज से मौसम बदल चुका है। गर्मी के दस्तक के साथ ही जंगलों में बेकाबू आग से बेशकीमती वन संपदा खाक होने के साथ ही हाथी बाघ सहित वन्य जीवों के अस्तित्व पर भी संकट मंडराने लगा है। लेकिन इस बार प्रशासन पहले ही अलर्ट नजर दिख रहा है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में अब धीरे धीरे मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, तो वहीं गर्मियों की दस्तक से प्रशासन की भी चिंता बढ़ने लगी है। और उस चिंता की वजह गर्मियों के मौसम में पहाड़ों पर धधकते जंगलों की आग है। लिहाजा जंगलों को आग से बचाने के लिए अब प्रशासन पहले से ही अलर्ट दिखाई दे रहा है। वन अग्नि पर काबू पाने के लिए वेस्टर्न सर्किल का मास्टर कंट्रोल रूम तराई पूर्वी वन प्रभाग के कार्यालय में बनाया गया है। खास बात यह है कि पश्चिमी वृत्त के 5 वन प्रभागों के मास्टर कंट्रोल रूम को आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम और पुलिस कंट्रोल रूम से सीधे तौर पर जोड़ा गया है। मास्टर कंट्रोल रूम में 24 घंटे वन अधिकारी और कर्मचारियों की पैनी नजर रहेगी। जंगल में आग लगने की सूचना कहीं से भी आए, उसको तुरंत ही वन प्रभाग के क्रू स्टेशन प्रभारी और रेंज कार्यालय तक पहुंचाया जाएगा। लाइव अलर्ट्स जो हैं वो हमें मिलते हैं, एंड विद इन 2 मिनट्स जो हैं, अगर कहीं भी आग लगती है तो 2 मिनट्स के अंदर जो है लाइव अलर्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेट के माध्यम से हम जो है डायरेक्ट जो वेबसाइट है भुवन पोर्टल है उससे नज़र रखते हैं, और उसमें उसकी एक अच्छी बात यह है कि वह हमें कंपार्टमेंट लेवल और विलेज लेवल तक किस विलेज के सामने जो है आग लगी है, साथ में आग लगी है और किस कंपार्टमेंट में आग लगी है उसका पता चल जाता है। तो कंट्रोल रूम में जो ही उसका पता चल जाता है तो हम जो है फोन वायरलेस के माध्यम से जो है कंसर्न्ड जो प्रभारी होता है कंट्रोल रूम का, क्रू स्टेशन का प्रभारी होता है, उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। इस बार सर्दियों के बाद तापमान अचानक से बढ़ चुका है, लिहाजा आग लगने की घटनाओं में तेजी भी आ सकती है, जिसे देखते हुए वन विभाग ग्रामीणों के साथ भी सहभागिता निभाने के लिए बातचीत कर रहा है। इसके अलावा वन पंचायतों की भागीदारी भी तय की जा रही है। वन अग्नि से उत्तराखंड के जंगलों को हमेशा भारी नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ जाता है। हर साल हजारों हेक्टेयर वन और वन्य जीव आग की चपेट में आ जाते हैं। दावानल की रोकथाम को लेकर हर साल सरकार प्रशासन लाख दावे करती है, लेकिन धरातल पर वो दावे फेल साबित हो जाते हैं। अब देखना ये होगा कि मास्टर कंट्रोल रूम से इस बार जंगलों में लगने वाली आग पर किस तरह से काबू पाया जाता है। टाइम टीवी के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। यूक्रेन में हमले के बाद भारतीय नागरिकों के परिजनों की बड़ी धड़कने, उत्तराखंड के भी फंसे कई छात्र, CM धामी ने परिजनों को किया आश्वस्त। उत्तराखंड जिलाधिकारियों को यूक्रेन में फंसे लोगों की लिस्ट जारी करने के निर्देश, जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर जारी, परिजन 112 पर कॉल कर सकते हैं और दे सकते हैं सूचना। विधानसभा चुनाव के बाद संगठन को मजबूत करने पर कांग्रेस का फोकस, 12 लाख नए सदस्यों को जोड़ने के साथ लोकसभा चुनाव की भी तैयारियों पर कांग्रेस का फोकस।
प्रदेश में हो रहे हादसों से प्रशासन ने लिया सबक। पड़ताल में ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार के साथ गड्ढा युक्त सड़कें बनी बड़ा कारण। कई जिंदगियों के साथ हो रहा खिलवाड़।